म्यूट किया है। तो बेटा जो अज अपना लोंग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो असं अज डिस्कस करांगे वो है जेंडर बायस का थीम या सुधा मूर्ति का करैक्टर स्कैच सेम है जी, क्योंकि जेंडर बायस की जो मेन करैक्टर है सुधा मूर्ति है, तो उसका करैक्टर स्कैच लगा लो या तुसी लगा लो थीम लगा लो जेंडर बायस का। करैक्टर स्कैच ऑफ सुधा मूर्ति हो गया, मैं लिख भी दिना, या फिर थीम ऑफ जेंडर बायस हो गया, तो यह सेम है जी, यदा आंसर आपने यही लिखना। तो बेटा इस तो पहला असी जेंडर बायस पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके, मैं तुम उस दी वीडियोज़ बना के दित्तियां सीगियां, ते तुसी देखिया भी ने दो पार्ट्स दे विच असी जेंडर बायस सारा कंप्लीट किया चैप्टर, ते नाल ही आपां इस दीआं एक्सरसाइजिज एंड सोल्यूशनज भी किए, तो एक चौथी वीडियो दे विच आपां इस दी जिहड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वह भी कंप्लीट कर ले, मतलब टोटल आपां मैनूं लगदा इहदीआं 4 वीडियोज़ पहला देख चुके, ते अज अपनी लास्ट वीडियो है जिस दे विच तुसी जड़ा ए वाला करैक्टर स्कैच समझोगे, ये साड़ी लास्ट साड़ी क्लास होएगी इस चैप्टर की जेंडर बायस की, इस तो बाद फिर असी कोई होर क्वेश्चन करांगे। तो बेटा जड़ा क्वेश्चन समझन तो पहला जिवें मैं तुहानू कल भी दस्या सी, बिकॉज यह एक लोंग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसनों आपां एसे टाइप क्वेश्चन भी कहने हैं, तो पहला जरूरी है कि एसे टाइप क्वेश्चन कवर करन तो पहला आपां थोड़े जिहे मेन पॉइंट्स वल नज़र दौड़ाइए भी ये मेन पॉइंट्स केड़े ने जिहड़े आपां लिख सकी। तो जिवें मैं तुहानू कल भी दस्या सी बेटा, जिस तरह तुहानू स्क्रीन के उपर शो हो रहे हैं ये माइंड मैप है जी, तो देखो उपर भी यही लिखा हुआ है ना कि विद द हैल्प ऑफ द फॉलोइंग माइंड मैप, के माइंड नीचे दिते हुए माइंड मैप की हैल्प दे नाल डिस्क्राइब सुधाज लाइफ एज अ स्टूडेंट, कि अपने सुधा की जिंदगी जो है सुधा मूर्ति जो साड़ी ऑथर ने इस चैप्टर दे उन्होंने एज अ स्टूडेंट आप जिंदगी दसीए किस तरह की सी, तो सुधा मूर्ति की लाइफ एज अ स्टूडेंट आप दसनी है, तो आ साडा मेन पॉइंट हो गया जी, जिस दे उपर साडा मेन करैक्टर हो गया जिस दे उपर आप सारा क्वेश्चन डिवेलप करना है आंसर डिवेलप करना है, तो सुधाज लाइफ एज अ स्टूडेंट ये तो साढ़े सेंटर च हो गया। इस चीज़ नू सेंटर च रखते हुए कि सुधा एज अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी वजो उसकी लाइफ किदां दी रही है अपने पॉइंट्स चैप्टर के विचों चक लिया। सब तो पहला पॉइंट जो आप लिया वो ये है कि वह यंग है, ब्राइट है, तो गर्ल है, बोल्ड है, नीडर, आइडियलिस्टिक, उसके कुछ सिद्धांत ने जिंदगी के, ठीक है, यंग भी है जी, नौजवान है, ठीक है, तुहानू पता है, ब्राइट है, काफ़ी होशियार लड़की है, तो बोल्ड, बोल्ड का मतलब नीडर, तो यह साडा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा असी चैप्टर बेटा यह पढ़िया कि वह कंप्यूटर साइंस के मास्टर डिग्री कर रही थी, MCA कर रही थी कंप्यूटर साइंस के, जिवें तुसी बेटा प्लस वन प्लस टू के तुहाडे कोले भी सबजैक्ट है कंप्यूटर साइंस का, तो जिवें तुसी प्लस टू च जदों कंप्यूटर साइंस कर लोगे तो जेकर तुसी यही सबजैक्ट अगे पढ़ना है तो पहला तुसी BCA करोगे जिसनों बैचुलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं, तो फिर साइंस कहते हैं सॉरी, तो फिर उस तो बाद MCA करोगे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इस तरह तुसी ये कोर्स करोगे, तो यह MCA कर रही थी। तीसरी कितने कर रही थी जी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर रही थी जो कितने है बेंगलोर शहर च है, कर्नाटक राज दे विच उसकी कैपिटल बेंगलोर है, तो उत्थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज दे विच यह वाला कोर्स MCA का कोर्स कर रही थी, यह साड़ा तीसरा पॉइंट हो गया, यह साड़े दिमाग च रखना है। चौथा है, यह गल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओनली गर्ल इन हर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, कि जिहड़ा वह MCA का कोर्स कर रही, तुहानू पता ना BCA नू आपां अंडर ग्रेजुएट कहने हैं, BCA बैचुलर डिग्री नू आपां अंडर ग्रेजुएट कहने हैं, तो MCA मास्टर डिग्री नू आपां पोस्ट ग्रेजुएट कहने हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के उस विभाग के शी वाज दी ओनली गर्ल, इक्को ही लड़की सी, ये ध्यान च रखना है, तो मैं तुम्हें चैप्टर के बड़ा वधिया एक्सप्लेन किया। अच्छा फिर वो MCA करन तो बाद शी वॉन्टिड टू गो एब्रोड टू कंप्लीट हर डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस, वो पढ़ाई बंद नहीं सी करना चाहती, वो चाहती सी कि कंप्यूटर साइंस च मैं पूरी तरह पढ़ाई कर ला, उस दे विच मैं PhD कर ला, डॉक्टरेट कर ला, कित्थे कर ला, एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब USA जाना चाहती सी, उसनों कई यूनिवर्सिटीज़ वालों स्कॉलरशिप भी मिल गई सी आप चैप्टर के देखे, लेकिन उसकी लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट कद आया जदों शी सा अ जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस बाय टेलको, जदों टेलको ना की कंपनी के उसने टेलको ना की कंपनी की एक मशहूरी देखी जॉब रिक्वायरमेंट वाली, जॉब रिक्वायरमेंट के उत्थे कुछ इंजीनियर्स की जरूरत है, तो वह उन्हें एडवर्टीजमेंट देखी नोटिस बोर्ड पर, फिर वो देख के ये वाली जी जी
एडवर्टीजमेंट उन्हें पढ़ी और शॉक्ड हो गई, उसनूं बड़ी हैरानी हुई जिस दे विच ये लिखा हुआ है कि लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। ए लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी स्टोरी दी, ये सब तो मेन लाइन है, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई ये लिखा हुआ सी। ते फिर उसने इस गल दे उपर गुस्से चला लो, दुखी होके उसने एक पोस्ट कार्ड लिखा किसनू, जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा कौन सी उस टाइम टेलको कंपनी दे हेड सीगे। उस तो बाद फिर उसने जॉब लिए अप्लाई करता ते रिसीव्ड अ टेलीग्राम, उन्हें एक टेलीग्राम भी मिलिया, तुहानू पता है मैं सारा दस्या कि टेलीग्राम की हुंदा पूरा चैप्टर समझाया है। ते फिर वह उसनू इंटरव्यू ते पुणे बुलाया गया, तो पुणे उसनू इंटरव्यू ते बुलाया गया। तुहानू पता है जाना नहीं सी चाहती, इन्हें तो वैसे ही लिखता सी, लेकिन फिर इहदियां फ्रेंड्स ने इसनू मनाया कि चल तू जा साडे लई साड़ियां ले आई, 20 रुपए ने सारियां तो लए ते उत्थे चली गई, आपां सारा इह सारा पढ़िया। ते उस तो बाद फिर जदों इत्थे पुणे पहुंची तां उत्थे पिंपरी नां दी जगह ते 6 पीपल ऑन द इंटरव्यू पैनल, उस दी इंटरव्यू लई गई 6 परसन द्वारा, एक नहीं दो नहीं 6 परसन ने इस दी इंटरव्यू लई। ते इस तो क्वेश्चन भी टैक्निकल पुछे गए, काफ़ी औखे क्वेश्चन पुछे गए सिलेबस दे, लेकिन इसने वो इंटरव्यू क्लीयर की एंड गॉट अ जॉब इन पुणे। तो बेटा पूरी जिहड़ा अपने माइंड मैप ड्रॉ किया है ये नाल ना साडा सारा चैप्टर एक बार क्लीयर हो जाता है। तो माइंड मैप तो फिर असी ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिहड़ा वो डिवेलप कर सकते हैं, सानू रट्टा लाने की लोड़ नहीं पैंदी। अच्छा कल मैनू ना कुछ स्टूडेंट्स ने माइंड मैप बना के भेजे, एक दो बच्चों ने बना के भेजे, बड़े सोहने माइंड मैप बनाए हुए सीगे। तो बिल्कुल सारे बच्चे इस तरह माइंड मैप बनाया करो, तो माइंड मैप बना के फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा करो, हो सके तो पेपर च भी बना के आई। लो जी हुण आपां मुड़ अपने मेन क्वेश्चन ते आने हैं। तो आंसर है जी इसका, इत्थे अस पा लियो, आंसर है जी जेंडर बायस इज रिटन बाय सुधा मूर्ति। तो सब तो पहली लाइन यही है जी कि जेंडर बायस जी वड्डी बी वड्डी, तो इनू सिंगल कोट्स दे विच पाना है, किसके द्वारा लिखा हुआ है, सुधा मूर्ति द्वारा। सुधा मूर्ति की एस वड्डी एंड मूर्ति की एम वड्डी, बाकी सारे अक्षर छोटे, तो सुधा मूर्ति द्वारा जेंडर बायस लिखा हुआ है। तो शी वॉज स्टडिंग इन एम सी एट IISc in Bangalore, ता ओहो MCA दी पढ़ाई कर रही सी। ना MCA एक abbreviation है ना, इसनू short करके लिखा हुआ है, ता अक्षर सारे वड्डे पाने हैं MCA, इहदा मतलब की हुंदा है जी Master in Computer Application। ता इत्थे तुसी लिख सकदे हो, जेकर तुहाडे याद नहीं रहिंदा ता इस तरह तुसी इत्थे पेंसिल दे नाल लिख सकदे हो, ता Master in Computer Application। ते IISc भी एब्रीवेशन च एवं पानी है, बाकी सारे वड्डे सी छोटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इहदा मतलब की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाले कॉलेज दे विच, इह बेंगलोर विखे, बेंगलोर एक शहर का नाम है भी वड्डी, तो बेंगलोर विखे ये पढ़ाई कर रही सी। तो यह साडा पॉइंट आपां कित्थों चक्या जी, आपां ने पॉइंट इत्थों चक्या, आह वाली चीज़ तो आपां पॉइंट चक्या, आ दोनों दे विचों आपां ने पॉइंट आपां ने पिक किया। तो शी वॉन्टिड टू गो टू US, she wanted to go to US for higher studies. ਉਹੀ abroad ਵਾਲਾ point ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ US ਜਾਣਾ, to go to US. US ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, United States. United States ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, for higher studies, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, higher studies ਲਈ, high ਤੋਂ higher ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ once she read an advertisement for job from telco, पर उसने एक बारी शी रेड, उसने पढ़ी एक एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब मशहूरी, कादे लई, जॉब्स लई, कितों, टेलको कंपनी तो, टेलको कंपनी का नाम याद रखना है, टी वड्डी पानी है, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ कंपनी। तो टेलको कंपनी जिहड़ी कि हुण टाटा मोटर्स बन गई है, तो टेलको कंपनी की उसने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ी, उस की लिखा सी जी, इट स्टेटेड दैट लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। तो उहदे विच की लिखा हुआ सीगा, इट स्टेटेड का मतलब उससे दसया गया सी कि जिहड़ियां लेडी कैंडिडेट्स ने, लड़कियां ने, ओह अप्लाई ना करन, इस जॉब दे लई अप्लाई ना कर, सानू जरूरत नहीं है लेडीज कैंडिडेट्स दी, सानू सिर्फ जेंट्स ही चाहिए, तां लिखिया सी। शी बिकेम वेरी अपसैट, बहुत ज़्यादा अपसैट हो गई जी, वो दुखी हो गई, अपसैट का मतलब दुखी होना। शी रोट टू JRD द हैड ऑफ टेलको अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर उसने की लिखिया, उसने एक पोस्ट कार्ड लिखी, शी रोट, उसने लिखा किसनू, टू JRD, JRD नू एमी पाना, बिकॉज एमी बोलया जाता है। वह कौन सी जी, उस टाइम टेलको कंपनी के हैड सीगे, मुखी सीगे टेलको कंपनी के, ता किदे बारे लिखा उसने, अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होंगे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, जेंडर का मतलब स्त्रियां मुंडियां वाला, मतलब
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਰਡਸ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9th-10th ਕਲਾਸ 'ਚ +1 +2 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ BA 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਵਰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਐਵੇਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੀ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਫਰੋਮ ਟੈਲਕੋ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟੈਲਕੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਫਰੋਮ ਟੈਲਕੋ, ਟੈਲਕੋ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਫਰੈਂਡਸ ਟੋਲਡ ਹਰ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੇਡੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਮਸਟ ਗੋ ਟੂ ਪੁਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੁਨੇ ਦੀ ਪੀ ਵੱਡੀ ਪਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੀ ਮਸਟ ਗੋ ਟੂ ਪੁਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪੁਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਮਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਕਿਵੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਟੈਲਕੋ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਟੂ ਬਾਏ ਚੀਪ ਸਾਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਪ ਸਾੜੀਆਂ ਲਿਆਵੇ, ਚੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਸਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਜ਼, ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾੜੀਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਿਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਟੂ ਗੋ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਨ ਪੁਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਿਡ, ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਟੂ ਗੋ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੋ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ, ਪੁਣੇ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਆ, ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾੜੀਆਂ ਲਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਅਰ ਆਰ 6 ਪਰਸਨਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੈਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਟੋਟਲ 6 ਪਰਸਨ ਸੀ, 6 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਸਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੁਣੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਲਾਈਕਡ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਲਾਈਕਡ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੰਬੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਬੰਬੇ। ਤਾਂ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਚੱਕਰ, ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬੈਂਗਲੋਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਣੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੰਬੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਬੰਬੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ JRD ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸ਼ੀ ਮੈਟ JRD ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਬੰਬੇ। ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ JRD ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਮੀਟ, ਮੈਟ ਵਰਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ JRD ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਲਕੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਬੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ। ਤਾਂ ਸੁਮੰਤ ਮੂਲਗਾਓਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲਡ JRD ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ
दैट शी वॉज द फर्स्ट लेडी, उन्होंने जे आर डी नू दस्सिया कि पहली लड़की है सुधा जिसने के फैक्ट्री दे विच काम किया। इस तो पहला तो सारे मुंडे ही काम करते रहे हैं, तो पहली लड़की है जी बॉम्बे दे विच आके साड़ी टाटा मोटर वाली फैक्ट्री दे विच काम कर रही है। अबाउट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स हू आर स्टडिंग इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हूँ लगभग जे आप अज की गल करिए, देखो उस टाइम सुधा मूर्ति कली लड़की सी अपने बैच के, बाकी सारे मुंडे से, लेकिन अजक अजिहा वक्त नहीं है। अजक की है कि 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट जिन्हें विद्यार्थी ने उन्होंने 50% लगभग अबाउट लगभग 50% कि लड़कियां ने जड़ियाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के जिते इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है उत्थे पढ़ रही ने हु आर स्टडिंग। बेटा अपने नेड़ी थापर कॉलेज है पंडियाले के पे है, जो तुम कदम पटियाले जाओ तो तुम्हें कुड़िया ज्यादा दिखदियां ने, मुंडे घट दिखते हैं। तो अगे की सी मुंडे इंजीनियरिंग वाल ज्यादा जाते हैं, लेकिन अजकल कुड़ियां बहुत जाती हैं इंजीनियरिंग के, इंजीनियर हैं मतलब आई टी सैक्टर चाहिए कंप्यूटर वाले सैक्टर चाहदियां ने, बहुत ज्यादा पढ़ रही ने लड़कियां अजकल। तो शी एडमायर्ड जे आर डी वेरी मच, वह जे आर डी बहुत ज्यादा पसंद करती सी। एडमायर्ड का मतलब उसकी रिस्पैक्ट करना, पसंद करना, आदर करना। शी विशिज इफ जे आर डी वर अलाइव टूडे टू सी द ग्रोथ ऑफ हिज कंपनी, तो वह आस करती है, शी विशिज वह आस करते हैं कि काश जे आर डी वर, वर का मतलब इतने जे आर डी वर लगे, हालांकि सिंगलर परसन है, लेकिन इतने वह काश की गल कर रही है कि काश एवं होंगे है ना, इच्छा मंग रही है, इच्छा के लिए असं जे आर डी वर लाया कि जे आर डी अज जिंदा होंगे। टूडे का मतलब अज अलाइव जिंदा होंगे, कहदे लिए ताकि वह अपनी कंपनी की ग्रोथ में देखते, कंपनी किन्नी वड्डी बन चुकी है, उस किन्नियां लड़कियां अज काम कर रही ने, उसकी ग्रोथ उसके विकास में देखने लिए शायद अज जिंदा होंगे। तो रियली इट इज़ अ ब्यूटीफुल चैप्टर, तो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जी। इस तरीके दे नाल असी ये बेटा सारा जिहड़ा करैक्टर स्कैच है उसनू कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि तुहानू ये सारा करैक्टर स्कैच समझ आ गया होना। पहला भी आप